हेलो एवरीवन, बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरी आई हुई थी एमटीयू पीएचडी से रिलेटेड, आरओही से रिलेटेड और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। उन सभी की क्वेरी को यहां पर लिया जाएगा। सबसे पहले जो रिटर्न देने के बाद भी और कुछ कराया, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करवाया गया है, तो आरओही में अब एग्ज़ाम देने के बाद कुछ भी नहीं करवाया गया है। और एमडीयू में पीएचडी के फॉर्म कब निकलेंगे, निकलेंगे ये नवंबर में निकलेंगे, और जब भी निकलेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूआरएस मिलता है, हाँ जी यूआरएस मिलता है, यूनिवर्सिटी रिसोर्स स्कॉलरशिप मिलती है। ये इसके लिए आपका नेट या जीआरएफ मायने नहीं रखता, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें टॉपर्स होते हैं उनको मिलती हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर ये पोस्ट कब तक आ सकती हैं, तो देखो ये पोस्ट अभी तक इनकी कोई भी नॉलेज नहीं है। उसके बाद है 71 इंग्लिश इन टीजीटी इफ़ एनी चांस, तो देखो जिनके भी 70 प्लस मार्क्स हैं उनके चांस हैं, और जिनके ये नहीं है कि जिनके 70 से नीचे हैं उनके चांस नहीं हैं। चांस हो सकते हैं अगर आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे हैं तो। मैम प्लीज़ हेल्प रिगार्डिंग पीजीटी कॉमर्स स्क्रीनिंग, हाँ जी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। कॉमर्स से रिलेटेड ही वीडियो हम अपने चैनल्स पर अपलोड करते हैं, बस ये कुछ टाइम क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो इस वजह से कॉमर्स स्क्रीनिंग के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो तो हमने डाल ही रखे हैं, लेकिन सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ अभी बहुत कुछ डालना रहता है जो कि हम एग्ज़ाम होने के बाद फिर डालेंगे। 76 कॉमर्स ईडब्ल्यूएस, हाँ जी बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका 76, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोर अब तक आए हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स के वो 78 आए हैं, उसके बाद आपके ही आए हैं, तो बिल्कुल चांस है। तो ये देखो मार्क्स वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेज रखे हैं, 85 भी है इंग्लिश के। जीआरएफ या नेट अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जीआरएफ या नेट अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ही करना चाहिए, और क्योंकि अगर जिस सब्जेक्ट्स के आप मास्टर होते हो तो उसी से अगर उसी से निकलता है, और ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका नेट या जीआरएफ हो जाएगा, जी नहीं, उस सब्जेक्ट्स पर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए तभी आपका जीआरएफ निकल के आता है। ऐसे ही नहीं कि मैंने कह दिया जीआरएफ हो गया, जी नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा अपना कंसंट्रेशन देना होता है, टाइम देना होता है, ये नहीं कि आपने एक घंटा दो घंटा पढ़ लिया तो इससे आपका जीआरएफ निकलाएगा, जी नहीं, नहीं निकल के आएगा, ऐसे नहीं निकलता है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी थी इस मंथ की, उनका हमने हर एक को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके हर एक क्वेश्चंस का अगर हमें पता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को डालने का हमारा यही मकसद था ताकि आपकी जो क्वेरी है वो आपकी आपके साथ साथ और फ्रेंड्स की भी है, जिससे उनको भी इन्फॉर्म हो जाए, क्योंकि जो आपकी क्वेरी है वो तो हम कमेंट के ज़रिए तुरंत उनका जवाब दे देते हैं, लेकिन और फ्रेंड्स हैं जो उनकी भी आपकी क्वेरी से हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हर एक के माइंड में यही क्वेरी रहती है कि अब ये कह रहे हैं आरोही जब से मैं वीडियो डालने लगी, क्योंकि कई दिन हो गए लगातार वीडियो डाल रही हूँ आरोही पर, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि मैम जब आरोही का कुछ आया ही नहीं है तो आप वीडियो कैसे डाल रहे हैं, तो वीडियो सिर्फ जो क्वेरी है उनसे रिलेटेड वीडियो है, ना तो हमने ये कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे जा रहे हैं, ना फिर हमने कोई ऐसी फेक न्यूज़ डाली है, सिर्फ वैलिड न्यूज़ ही डालते हैं ओनली। और ना ही हमने ये कहा है कि कितने टाइम में इसकी लिस्ट लग जाएगी, क्योंकि अभी तक इसका फ़िलहाल कोई भी चांस नहीं आया है, और एग्ज़ाम होने के बाद ना तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं, ना हमने ये कई जगह ये कई स्टूडेंट्स पता नहीं अपने आप से ही कैसे इमेज कर लेते हैं कि भाई जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, सिर्फ पैसों का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब लिस्ट तैयार होगी, जिस दिन ऑर्डर मिलेगा तब आपकी लिस्ट आउट हो जाएगी, और इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है, तो उनसे रिलेटेड तो वही बता सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। हमें सिर्फ जो एक्सटर्नल जो नॉलेज है और जो मिलती है उन दोनों को कंक्लूड करके आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। अगर फिर भी इसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए सॉरी, और हम लगातार आपसे इसी तरह से वैलिड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।